हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप सभी का स्वागत है हमारी टेक न्यूज एपिसोड 48 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा के आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है, अगर आप टेक रिलेटेड कोई भी चीज देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए और मैं सोचूंगा कि वो वीडियो जो है मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर कुछ भी आपको कोई भी अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए। तो दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज के बारे में बात करूं तो ली इको की तरफ से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ली इको एक चाइनीज ब्रांड है, तो ली इको ने जो चाइना में अपना ली इको प्रो 3 लाइट जो है लॉन्च कर दिया, जो कि ली इको प्रो 3 का जो है डाउनग्रेडेड वर्जन है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी जो है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर दिया गया है। जो इसमें सिर्फ एक ही कमी है वो ये कि एनएफसी जो है सपोर्ट नहीं करता है। इसमें आपको 5.5 इंच का जो है फुल एचडी रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। 4GB की रैम है और 32GB और 64GB दो वेरिएंट्स में आता है। और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 4070mAh की बैटरी है। बात करें प्राइसिंग की तो 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग है। अगर चाइनीज प्राइसिंग से कन्वर्ट करें इंडियन प्राइसिंग में तो प्राइस के हिसाब से फोन जो है काफी अच्छा है और बहुत ही बढ़िया फोन है अपने प्राइस सेगमेंट में। तो देखते हैं अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा तो, अगर इसी प्राइस में लॉन्च होगा तो बहुत ही बढ़िया फोन होगा इस प्राइस सेगमेंट में, वन ऑफ द बेस्ट फोन होगा मुझे लगता है। और मैं चाहता हूं कि ली इको जो है, ये जो ली इको प्रो 3 लाइट वर्जन है, बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च करें, मैं ऐसा चाहता हूं। बहुत बढ़िया है और स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग भी काफी इंटरेस्टिंग रखी है। तो देखते हैं कब तक ये फोन जो है इंडिया में आता है। दूसरी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो शाओमी की तरफ से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाओमी का जो मी 6 है वो शाओमी का फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है और काफी वक्त से जो उसकी लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं। और अब जो है शाओमी मी 6 का जो स्केच सामने आया है, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। अब इतना तो कन्फर्म है कि शाओमी मी 6 में जो है आपको डुअल कैमरास देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। और इसका जो बेजल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बताया जा रहा था कि काफी थिन होगा लेकिन उतना थिक नहीं होगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपको एक फिजिकल होम बटन भी देखने को मिलेगा। और देखते हैं कि ये कब तक लॉन्च होता है। और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। तो एकदम फ्लैगशिप टाइप का ये डिवाइस होगा शाओमी की तरफ से और ये शायद से बहुत ही जल्द जो है लॉन्च हो जाएगा चाइना के अंदर। इंडिया में आने में शायद से थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन जैसे ही लॉन्च होगा तो हम लोग आप लोगों को बता देंगे। तीसरी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो वो वीवो की तरफ से आ रही है। बताया जा रहा है कि वीवो जो है अपना एक मिड रेंज डिवाइस जो इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है वीवो V53 करके इसका नाम है। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको 2GB की रैम, 16GB की आपको जो इसमें इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसमें आपको 5 इंच का शैसे डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन है। और बात करें इसकी कीमत की तो 10,000 रुपये इसकी कीमत है और मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में ये बेकार फोन है। इससे अच्छा आप स्वाइप एलाइट सेंस जो कि स्वाइप ने लॉन्च किया और तकरीबन 7,500 रुपये का, उसमें आपको सेम हार्डवेयर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425, तो इसमें भी आपको वह मिलता है लेकिन इधर पे कीमत जो है ज्यादा रखी है। तो आप वो ले सकते हैं, रेडमी 3S ले सकते हैं या फिर लिनोवो K6 पावर भी आप ले सकते हैं। ये सभी बहुत अच्छे डिवाइसेस है और इसे क्यों लेगा कोई भी इंसान, मुझे समझ नहीं आता कि वीवो वाले ऐसे फोन क्यों लॉन्च करते हैं। चौथी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो वो जियोनी की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जियोनी ने जियोनी A1 और जियोनी A1 प्लस जो है MWC 2017 में लॉन्च करे थे और बताया जा रहा है कि वो इंडिया में भी जो है बहुत जल्द आ जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जियोनी A1 जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छी है, कैमरा वाइज, इंटरनल स्टोरेज, रैम वगैरह सब कुछ इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले वगैरह। बस जियोनी A1 में एक ही कमी है कि इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P10 प्रोसेसर देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि इंडिया में जो है 22,000 रुपये का लॉन्च होगा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मीडियाटेक का हीलियो P10 प्रोसेसर के साथ में 22,000 रुपये क्यों ले रहे हैं जियोनी वाले। ऐसा घिसा पिटा सा ये प्रोसेसर है, बेकार प्रोसेसर है और 22,000 रुपये मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्मार्टफोन को खरीदेगा। अगर आपकी मर्जी, अगर खरीदना है तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं, बाकी अगर आपको सिर्फ एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस ही चाहिए तभी आप इस डिवाइस को खरीदेगा। पांचवी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो कैट S60 करके ये जो एक स्मार्टफोन है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। कैट करके कोई कंपनी है जो कि एक रगेड टाइप का जो डिवाइस है वो बहुत जल्द शायद से इंडिया में जो लॉन्च कर देगी। तो इस डिवाइस का नाम है कैट
S60 करके इसका जो नाम है, बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, जो इसमें आपको 4.7 इंच का HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 617 प्रोसेसर दिया गया है, 3GB की रैम है, 32GB की आपको जो इसमें इंटरनल मेमोरी है, और 13 और 5 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत रखी गई है वो तकरीबन 30,000 रुपए है। तो इस सेम प्राइस में जो आपको OnePlus 3T भी मिल जाता है, इसमें रैम भी इससे ज्यादा है, स्टोरेज भी इससे ज्यादा है, और प्रोसेसर तो इससे लाख गुना अच्छा है। इसमें आपको कम से कम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 821 मिल जाता है, और इधर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 617 है। आप, मुझे लगता है कि OnePlus 3T से लाख गुना बेहतर डिवाइस है। बस इसका इसका जो USP वही है कि एकदम रगेड टाइप का डिवाइस है, अगर आपके हाथ से गलती से गिर जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन क्या करना है ऐसे फोन का जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशन अच्छी दी नहीं है, और कुछ भी इसमें मेरे को नहीं लगता कि ढंग का दिया है प्राइस के हिसाब से। फाइनल टेक न्यूज के बारे में बात करें तो मीडियाटेक की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मीडियाटेक जो है प्रोसेसर बनाने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और बताया जा रहा है कि मीडियाटेक जो है 7 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी पे जो है प्रोसेसर बनाएगी। शायद से 2018 के सेकंड क्वार्टर तक जो है ये प्रोसेसर बन जाएगा। तो देखते हैं 2018 तक का जो है आपको शायद से 7 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और इस रेस में जो सैमसंग भी है और क्वालकॉम भी है, तो देखते हैं कि कौन जो है सबसे पहले लॉन्च करता है 7 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक प्रोसेसर। और बताया जा रहा है कि जो 12 कोर्स के साथ में ये आने वाला है, यानी कि इसमें 12 कोर्स होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। तो देखते हैं कब लगाएगा, और ये एकदम एडवांस किस्म का शायद से प्रोसेसर हो सकता है, जो कि अगले साल तक आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्केट में। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए दोस्तों। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो या फिर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसका जो रिप्लाई दे पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।